क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, जहाँ शब्दों के हाथ नहीं पहुँच पाते, तुम वो शिखर हो माँ। क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, जहाँ शब्दों के हाथ नहीं पहुँच पाते, तुम वो शिखर हो माँ। तुम घर की दीवार नहीं, छत नहीं, आंगन नहीं, तुम पूरा का पूरा घर हो माँ। नमस्कार दोस्तों, वायरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम माँ के दर्द और प्यार को कुछ लाइनों में उतारने की कोशिश करेंगे। किसने देखा है माँ का दिल, किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, हाँ उसके हाथ देखे हैं, वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए तवे पर कई बार जले हैं, वही हाथ जो मेरी उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं, मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन ताकते हुए जिन हाथों में सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मारकर खुद 10 बार रोते थे। देखो जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, माँ के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुंझिया तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले तुम उन हाथों को चूम के सोना। आज मेरा फिर से मुस्कुराने का मन किया, माँ की उंगली पकड़ कर घूमने जाने का मन किया, उंगलियाँ पकड़ कर माँ ने मेरी मुझे चलना सिखाया है, खुद गीले में सोकर माँ ने मुझे सूखे बिस्तर पे सुलाया है, माँ की गोद में सोने को फिर से जी चाहता है, माँ हाथों से माँ के खाना खाने को जी चाहता है, लगाकर सीने से माँ ने मेरी मुझको दूध पिलाया है, रोने और चिल्लाने पर बड़े प्यार से चुप कराया है, मेरी तकलीफ में मुझसे ज़्यादा मेरी माँ ही रोई है, खिला पिला के मुझको माँ मेरी कभी भूखे पेट ही सोई है, कभी खिलौने से खिलाया, कभी आंचल में छिपाया है, गलतियां करने पर भी माँ ने मुझे हमेशा प्यार से समझाया है, माँ के चरणों में मुझको जन्नत नज़र आती है, लेकिन माँ मेरी मुझको हमेशा अपने सीने से लगाती है। तो अगर ये वाली कविता आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए। लव यू माँ, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।